मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कढ़ाई चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है, इसे अच्छे से धो लिया है। अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 स्पून मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और 1/2 बॉल दही। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर इन्हें इसे 20 से 25 मिनट तक रख देंगे। इसे ऐसे मैरिनेट करके साइड में रख देंगे। अभी हम कढ़ाई मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है अक्खा धनिया, सौंफ, काला मिरी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लाल मिर्ची और जीरा। अभी हमें इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके पीस लेना है। रोस्ट हो चुका है, अब इसे मिक्सर जार में निकाल के इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। कढ़ाई मसाला रेडी है, इसे ऐसे बारीक पीस लेना है। चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 हरा मिर्ची लिया है, जीरा, तेजपत्ता, 3 बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, 1 प्याज लिया है मैंने, इसे ऐसे बड़ा काट लिया है, 1 शिमला मिर्च लिया है, उसे भी ऐसे बड़ा काट लिया है, 3 टोमेटो का प्यूरी लिया है, गरम मसाला और कढ़ाई मसाला। अब हमें गरम कढ़ाई में 4 चम्मच तेल और 2 चम्मच बटर डाल के बटर को मेल्ट कर लेना है। इसमें डालेंगे जीरा, हरा मिर्ची, तेज पत्ता और इन सब चीज़ों को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 बारीक कटा हुआ प्याज और इसे लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज लाल हो चुका है, अब इसमें डालेंगे 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 नमक स्वाद अनुसार, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 स्पून कढ़ाई मसाला। इन सब चीज़ों को 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन के ऊपर 1 स्पून वापस से कढ़ाई मसाला डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। चिकन को 10 मिनट तक खुला ही पकने देंगे। 10 मिनट बाद चिकन 1/2 पक चुका है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर 1 स्पून और ये 3 टोमेटो का प्यूरी डाल के इसे मिला लेंगे।
देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक ढक के पकने देंगे। दस मिनट बाद देखिए चिकन पक चुका है। अब इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल के 2 मिनट तक इसे पकने देंगे। बाद क्रश किया हुआ कसूरी मेथी डालेंगे और एक छोटा बॉल क्रीम डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। सब मिक्स होने के बाद ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश करेंगे और गैस बंद कर देंगे। ये देखिए कढ़ाई चिकन बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।